हेलो फ्रेंड्स, आसू सोम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेके आई हूँ पार्टी स्टाइल आलू गोभी की सब्जी। बनने में बहुत आसान है और ये बहुत टेस्टी होती है। चलिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg कैलीफ्लावर ली है, फूल गोभी। इसको मैंने थोड़े से मोटे मोटे कट में काट के इसको धो के अच्छे से रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा साइज का आलू लिया है, जिसको मैंने ऐसे मोटा मोटा डाइस कट काट दिया है। गाजर ली है यहाँ पे मैंने 2 बड़ी, इसको भी मैंने मोटा मोटा डाइस कट काट दिया है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 मोटी कली लहसुन की ली है, इसको मैंने ग्रेट कर दिया है। एक बड़ा साइज का मैंने प्याज दिया है, जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर दिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको मैंने ग्रेट कर दिया है। तेल चाहिए होगा हमें यहाँ पे। मसालों में हमें यहाँ पे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैं हींग लूंगी चुटकी भर। अजवाइन है 1/2 चम्मच, कलौंजी है 1/2 चम्मच। धनिया हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 लाल मिर्च ले ली है सूखी, इसको मैंने बीच में से तोड़ दिया है। और ये है धनिया के दाने, इसको भी मैंने हल्के से क्रश कर दिया है। जीरा चाहिए होगा हमें 1 बड़ा चम्मच। और यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स है, तो के बीच ये मैंने 1/2 चम्मच यूज किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्टी स्टाइल आलू गोभी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है फ्रेंड्स, जैसे गर्म हो गई है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल। मैं यहाँ सनफ्लावर ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद का वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं, या जो घर में आप बेसिकली यूज करती हैं वो यूज करें। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच जीरा। अच्छे से भूनने देंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये आलू, गाजर। पहले हम इसे मिला लेंगे। आंच को मीडियम हाई पे रखिए। इसको मिलाने के बाद मैं ऐड कर दूंगी ये गोभी, अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ मैंने बड़े साइज रखे हैं फ्रेंड, क्योंकि थोड़ा सा श्रिंक हो गया ये कम हो जाएगा, और अगर आप गोभी थोड़ा मोटा मोटा काटते हैं तो वो जल्दी कुक भी हो जाती है। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ थोड़ा सा, ये जल्दी बन जाएगा। मिला देंगे अच्छे से। हमें इन सब्जियों को 80% तक सॉटे करना है। अच्छे से नमक मिलाने के बाद फ्रेंड, इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। आंच को हम मीडियम हाई पे ही रखेंगे और इसको बीच में 1-2 बार चला के जरूर देखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, चलिए चेक कर लेते हैं। मैंने इसे 1-2 बार चला के देख लिया था। देखिए आलू थोड़े थोड़े गल गए हैं। हमें इसे 80% तक कुक करना है। 2 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, चला लेंगे। हमें इसे इतना ही कुक करना है। गैस ऑफ कर दूंगी और इसको मैं एक बर्तन में उतार के रख लूंगी फ्रेंड, और हम आगे की अब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने वही नॉनस्टिक कढ़ाई यूज कर ली है फ्रेंड्स, आपको अलग से कोई और बर्तन लेने की जरूरत नहीं है। गर्म हो गई अच्छे से। इसमें ऐड कर दूंगी मैं 4 चम्मच ऑयल। आंच को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये जीरा, अजवाइन, लाल मिर्च और ये कूटा हुआ धनिया, कलौंजी, मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने। इनको अब हम अच्छे से मिलाएंगे। क्वांटिटी आप ज्यादा कम कर सकते हैं। मुझे इन ड्राई स्पाइस का जो फ्लेवर है वो सब्जी में बहुत पसंद है, इसलिए मैं इनको ज्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ। इन्हें अच्छे से सीखने देंगे। 1 मिनट लग जाएगा। मस्टर्ड सीड्स पॉप कर रहे हैं। आंच को बिल्कुल सिम पे करके ऐड करूंगी मैं ही चुटकी भर ये ग्रेट किया हुआ लहसुन। अच्छे से मिलाएंगे।
गोल्डन ब्राउन होने तक हम लहसुन को मिलाते रहेंगे। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं, तीखा जितना आप पसंद करते हैं। लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये ग्रेट करा हुआ प्याज। इसे भी चलाएंगे अच्छे से, 1 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। प्याज को थोड़ा जल्दी भूनने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 के करीबन नमक। नमक का आप ध्यान रखें क्योंकि आप उसको गोभी आलू के मिक्सचर के टाइम में भी करा है यूज, अभी भी करा है, एंड देन फिर हम फाइनल टच के लिए जब डालेंगे तो हमें इसकी क्वांटिटी का हिसाब रखना होगा, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। आंच को मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे, फिर आज के भूनने तक हम इसको चलाते रहेंगे 1 से 2 मिनट तक। एक से दो मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स इसको भूनते हुए, आंच को फिर से हम सिम पे कर देंगे। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं टमाटर, मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1/4 पार्ट, 1/4 रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच डालूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है लेकिन एक बहुत अच्छा कलर देती है। नमक डालूंगी मैं स्वाद अनुसार, मिलाएंगे। आंच को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, हम इसको 1 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे क्योंकि मसाले अच्छे से भून जाने चाहिए तभी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। एक मिनट फ्रेंड्स इसको मिलाते हुए हो गया है, 1 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि मसाले अच्छे से भून जाए और टमाटर भी हमारा अच्छे से पक जाए। 1 मिनट हो गया फ्रेंड्स, चला लेंगे अच्छे से। आधे मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पे करके अच्छे से भूनेंगे। मसाले से तेल अलग हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब मैं बिल्कुल सिम पे करके आंच को मैं ऐड कर दूंगी इनमें ये सब्जी, क्वांटिटी ज्यादा है तो पहले मैं थोड़ा सा पार्ट इसको मिला लूंगी। और बाकी भी हल्के हाथों से इसको हम मिला लेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी क्योंकि 80% ही मैंने इसको कुक किया था और 20% अभी रह गया है तो इसके लिए 5 मिनट काफी होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स, चला के देखेंगे। आलू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गोभी भी सॉफ्ट हो गई है, जब भी आप मिलाएं फ्रेंड्स हमेशा हल्के हाथों का ही यूज करें। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं धनिया, थोड़ा गार्निशिंग के लिए बचा रही हूँ।
हल्के हाथों से। इसे मैं ज़्यादा नहीं छूंगी क्योंकि नहीं तो ये गोभी टूट सकती है। धनिया को बस ऐसे ही रहने देंगे, गैस ऑफ कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स अब इसको सर्व कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा पार्टी स्टाइल आलू गोभी की सब्जी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी इसका बहुत बेहतरीन टेस्ट होगा। सर्व कीजिए इसको आप रोटी, पराठा, पूड़ी या जिसके साथ भी आप इसको पसंद कर सकते हैं, आप उसके साथ इसको सर्व कीजिए। मुझे कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आसूस होम किचन। थैंक यू।